नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप आसानी से घर पे जो है बहुत ही बेहतरीन कोकोनट ओट्स और ओरियो का मिश्रण करके एक ज़ेब्रा स्ट्राइप वाला जो है केक बना सकते हैं। और वो भी हम इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर के अंदर। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे जो है हमने ये डेजिग्नेटेड कोकोनट या तो कोकोनट का चूरा जो रेडीमेड मार्केट में मिलता है वो हमने लिया है। ओट्स जो है उसको भी हमने मिक्सर के अंदर पीस के बारीक कर लिया है। उसके अलावा पाउडर शुगर और मैदा लिया है एक एक कटोरी। तो ये सभी चीज़ें जो है एक एक कटोरी लिए। चीनी हमने थोड़ी सी कम ली है क्योंकि ज़्यादा मीठा मैं नहीं खाता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर लिया है। तो बेकिंग पाउडर हम एक चम्मच के आसपास लेंगे और बेकिंग सोडा जो है आधा चम्मच से थोड़ा सा कम लेंगे। उसके अलावा वेनीला एक्सट्रैक्ट है और ये थोड़ा सा मैदा हम ये टीन के अंदर छिड़कने के लिए लिया है ये मोल्ड के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पे हमने जो है दूध ले लिया है डो बनाने के लिए या तो बैटर बनाने के लिए। और मक्खन ले लिया है और इसको जो है हल्का सा पिघला लिया है। उसके अलावा यहाँ पे तीन चार ओरियो बिस्किट है, ओरियो कुकीज़, उसको जो है हमने पाउडर बना लिया है मिक्सर के अंदर पीस के। और ये नमक हमने लिया है कुकर के तले में डालने के लिए। तो एक्चुअल में काला सफ़ेद ही होता है पर ये दो तीन बार यूज़ करने के बाद जो है काला हो जाता है। तो इसको जो है हम कुकर के तले में डालेंगे, उस पर जाली स्टैंड रखेंगे और उसके ऊपर ये हमारा केक का टीन जो है उसको रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम मैदा और ये सभी चीज़ें जो है वो छानेंगे थोड़ी सी, जिससे कि इसमें कोई गांठ है वो तो निकल जाए। तो बस इतनी चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो है कुकर के तले में हमने नमक डाल दिया है और इसको जो है हम ढक्कन बंद कर देते हैं। इसको हम प्रीहीट करने के लिए रखेंगे जब तक हम हमारा बैटर रेडी करते हैं तब तक। और इसकी जो है सीटी ना लगाएं, ये हमें तो ध्यान रखें सीटी लगाए बिना ही इसको हम प्रीहीट करेंगे। तो इसको शुरू कर देते हैं और इसको प्रीहीट करने के लिए रखते हैं और हमारा बैटर बनाना भी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम मैदा डाल देते हैं और ओट्स डाल देंगे, पाउडर चीनी, पाउडर शुगर इसको भी डाल देते हैं और बेकिंग सोडा उसको भी यहाँ पे डाल देंगे, बेकिंग पाउडर जो है उसको भी डाल देते हैं। और सभी चीज़ों को जो अच्छे से छान लेंगे और मिक्स कर लेंगे, जिससे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छे से सभी फ्लोर जो है हमारा आटा उसके अंदर मिल जाए। और बड़ी गांठें हैं तो उसको हम तोड़ तोड़ के इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ इसको जोड़ सकते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और इसको चलाते हुए इस तरीके से भी मिक्स कर लेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो है हम सबसे पहले बटर ले लेते हैं। उसके बाद बटर के अंदर हमारा जो मिश्रण हमने रेडी किया था बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वो सब चीज़ें डाल के, शुगर डाल के, तो वो इसके अंदर डाल देंगे। और अच्छे से मिला देंगे। इसके अंदर जो है हमको ब्लैक कलर का जो है बैटर और वाइट कलर का बैटर, इस तरीके से हमको दो बैटर चाहिए तभी जो है हमारी ज़ेब्रा स्ट्राइप बनेगी। तो यहाँ पे जो है हम वाइट बना रहे हैं बैटर और इसको फिर हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे और फिर जो है दूसरे भाग में से हम ब्लैक बैटर बनाएंगे। तो इसके अंदर जो है कोकोनट पाउडर भी डाल देते हैं एक्सट्रैक्ट डाल देंगे थोड़ा सा, चार पांच बूंदी से जो फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और अब यहाँ पे जो है बीच में एक गड्ढा कर देते हैं और इसके अंदर जो है दूध मिलाते हुए हम इसका एक स्मूथ बैटर जो है बना लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा बेटर रेडी हो गया है। ये बेटर जो है आप इसको हमेशा थोड़ा सा पतला रखें, अदरवाइज जो है स्ट्राइप्स जो है क्रिएट होगी नहीं, अगर ये गाढ़ा होगा ठीक होगा। तो अभी जो है इसको हमने इस तरीके का रखा है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको और पतला करेंगे। और अभी जो इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं कि इसके अंदर जो है हम और ये पीस जो है उसका बॉर्डर भी मिलाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है और इसको जो है थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, इसको बाद में यूज़ करेंगे। और इसको जो है इसके अंदर हम ओरियो कुकीज़ का हमने पाउडर बनाया था वो डाल देते हैं। इसका जो है मिश्रण तैयार करेंगे, इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसको भी हम अच्छा पतला बनाएंगे जिससे कि हम स्ट्राइप्स जो है वो क्रिएट कर सकें। अगर गाढ़ा होगा तो स्ट्राइप्स नहीं क्रिएट होगी। तो उसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका बेटर रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दो कलर के जो है ब्राउन या तो डार्क कलर या तो लाइट कलर जो है दोनों हमने रेडी कर लिए हैं। अब तो हमारा जो मोल्ड है टीन है जो केक का उसको हम रेडी कर लेते हैं। टीम है इसके अंदर हम घी या तो बटर आप डाल दें और उसका कोटिंग कर लेंगे जिससे कि ये आसानी से जो है निकल जाए, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा और निकलेगा नहीं। किनारों पे भी करें नीचे भी करें तले पे ये करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज अब आपको ये नहीं करना है तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर जो है मैदा छिड़क देंगे, किनारों के भी छिड़क देंगे। इसको इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे अच्छे से और एक्स्ट्रा मैदा है उसको आप हटा सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है और नेक्स्ट प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बारीक बारीक एक एक जो है मीटर को डालेंगे एक दूसरे के ऊपर। अगर आपका बेटर जो है वो बहुत ठीक होगा तो उस इस तरीके से फैलेगा नहीं, इसलिए जो है आप इसको पतला ही रखें। देख सकते हैं कि स्ट्राइप्स जो इस तरीके से क्रिएट हो रही है।
सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ये दिख रहा है। तो देख सकते हैं जब रेडी होगा तो इससे भी बेहतरीन दिखेगा। ये हमारा जो है केक का बैटर और टीम जो है हमने रेडी कर लिया है, तो नेक्स्ट प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो है हमारा बर्तन प्रीहीट हो चुका है और यहाँ पे हमने कुकर की जगह जो है इडली रखने का जो स्टैंड आता है उसका जो बर्तन आता है वो हमने यहाँ पे लिया है, क्योंकि हमारा जो केक का जो टीम है वो थोड़ा सा इजीली इसके अंदर नहीं आ रहा था और हमारी स्ट्राइक जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, इसीलिए आप देख सकते हैं इसको डायरेक्टली इसके अंदर रख सकते हैं। अगर वो कुकर में अगर रखना होता तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता जिससे कि हमारी स्ट्राइप्स जो है वो ख़राब हो जाती, तो इसी रीज़न से जो है हमने बर्तन जो है चेंज कर दिया है। दोनों में इफ़ेक्ट सेम ही आएगी और बहुत ही बेहतरीन जो है केक हमारा बनेगा। तो इसको हम ढक देते हैं और इसको जो है 20 से 25 मिनट तक हम बेक करेंगे और बीच में एक बार चेक कर लेंगे कि ये कैसा बना है। तो इसको ढक देते हैं और फिर 20-25 मिनट बाद एक बार चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी केक जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है रेडी हो चुकी है और इसके अंदर आप चाकू डाल के जो है देख सकते हैं, तो चाकू जो है हमारा क्लियर आ रहा है। तो ये जो केक है वो पक के रेडी हो चुकी है, तो इसको हम निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसको जो है हम इस टीन के डब्बा जो है इसके अंदर से निकालेंगे, इसको ठंडा होने देते हैं और बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने केक के टीन में से हमारा जो केक है उसको निकाली है और आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन जो है हमारा ज़ेब्रा केक जो है वो बना है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें और आपके एक्सपीरियंस जो है कमेंट में शेयर करें, और उसके अलावा जो है आप और एक चीज़ शेयर कर सकते हैं कि आप जो है घर पर या तो बाहर कौन कौन सी केक्स जो है वो खाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो कर दीजिए इसको लाइक शेयर और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो जाने से पहले कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट है, आपको कुछ बताना है। तो सबसे पहला हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है, जैसे कि आपको बताया होगा लाइफ में होते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम, परेशानियाँ, दिक्कतें, टेंशन, डिप्रेशन। तो कई बार जो है हम किसी को ये हमारे अंदर क्या चल रहा है वो बता नहीं पाते हैं और अंदर अंदर हम घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है, यहाँ पे आप अपने कुछ भी कन्फेशन है, बोधरेशन है, आपको जैसे कि कोई बुली कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, किसी ने आपको इंसल्ट कर दिया है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपका बॉस आपको परेशान कर रहा है, आपकी बीवी परेशान कर रही है, या तो आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं, या तो बच्चे हो ही नहीं रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपको एग्ज़ाम में मार्क नहीं मिल रहे, आप केट या तो यूपीसी की प्रिपरेशन जो है या तो सीए की एग्ज़ाम आपके क्लियर नहीं हो रही है, कोई भी दिक्कतें हैं लाइफ में वो सबको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर आपको लिखने में बोरियत हो रही है तो यहाँ पे इस तरह की ऑनलाइन ऑडियो रिकॉर्डिंग की वेबसाइट है जहाँ पे आप जो है विदाउट रजिस्ट्रेशन जो भी कुछ ऑडियो आपको कन्फेशन करना है वो रिकॉर्ड कर दीजिए और उसकी लिंक एक जनरेट हो जाएगी, उसको यहाँ पे शेयर कर दीजिए। इसके अलावा एक दूसरा यहाँ पे इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट किया है, ये कम स्पेशल टी शर्ट जो है वो डिज़ाइन किया है। ये बहुत ही स्पेशल टी शर्ट है, जब भी आप ये टी शर्ट पहनोगे तो वो दिन पे आप भी खुश रहोगे और दूसरों को भी आप हैप्पीनेस दोगे। तो आप जो है हैप्पीनेस किसी भी तरह से दे सकते हैं, आपके कुछ भी क्रिएटिव आइडिया है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लोगों को आप गिफ्ट दे सकते हैं, टॉफी दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, आप कुछ सेलिब्रेशन कर सकते हैं घर में या तो आपकी सोसाइटी के अंदर, आप ऑर्फनेज में जाके कुछ सेलिब्रेशन कर सकते हैं, आप ओल्ड एज होम में जाके वहाँ पे कुछ हैप्पीनेस जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं, खाना दे सकते हैं
और आप जो होमलेस पीपल है उनको भी कुछ खाना दे सकते हैं, उनको कपड़े दे सकते हैं, स्लम में रहते जो बच्चे हैं उनको जाके उनके साथ आप फुटबॉल खेल सकते हैं और कुछ भी आप कर सकते हैं, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है। और ये टी शर्ट जो है अलग अलग कलर में उपलब्ध है, तो ये इंडिया में अगर आपको लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, और आप अगर इंडिया से बाहर रहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं ये वाला जो है वेबसाइट। और एक्चुअल में ये यहाँ पे 1500 का पड़ता है और ये टी शर्ट जो है वो 700 के आसपास है, तो ये आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा अगर ये टी शर्ट की लिंक अगर काम नहीं कर रही है तो ये फॉर्म एक है, वहाँ पे आप अपने डिटेल डाल दीजिए तो आपको एक नई लिंक जनरेट करके सेंड कर दी जाएगी। और एक इनिशिएटिव है यहाँ पे, वीडियो एजुकेशन वर्कशॉप फॉर चेंज। तो ये जो वर्कशॉप है उसमें आपको कुछ किसी भी तरीके के वीडियोस बनाने हैं, ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग करना है, कुछ भी करना है, आपको मैथ पढ़ाना है, योगा पढ़ाना है, कुकिंग पढ़ाना है, आपको ब्लॉगिंग करना है, ट्रैवल वीडियोस बनाना है, शॉर्ट फिल्म या तो जो छोटे बजट की जो फिल्म है वो बनानी है, कुछ भी है आप यहाँ से सीख सकते हैं। वीडियो कैसे बनाना है, वीडियो कैसे एडिट करना है, किस तरीके की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है, वेबसाइट कैसे बनाना है, और खास करके फंड रेजिंग क्राउड फंडिंग कैसे करना है, कहाँ कहाँ से आप पैसे किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, सभी चीज़ें जो है ये वर्कशॉप के अंदर सिखाई गई है। तो ये आप ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं, फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो बस ये तीन जो इनिशिएटिव है आपको शेयर करने थे। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है पूरा उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए, तो ये हमने एक डोनेशन का एक सपोर्ट का पेज क्रिएट किया है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा इन पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे आइए, जब भी आपको शॉपिंग करना है अमेज़ोन इंडिया से, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन यूएसए से, तो यहाँ पे आके कुछ भी आप खरीद लीजिए, तो आपको जो डिस्काउंट वाला जो प्राइस है वही मिलेगा आपको, मतलब जो वेबसाइट पे जो प्राइस दिखा रहा है वही प्राइस पे वो प्रोडक्ट मिलेगी। और हमको जो है ये वेबसाइट्स के अंदर थोड़ा सा एफिलिएट कमीशन मिल जाएगा और हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यूसली अच्छे से चला सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं लैपटॉप को, हमारे माइक्रोफोन को और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छे लगे होंगे। आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिख सकते हैं या तो आप कोरा पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय, हंसते रहिए, खेलते रहिए और कुकिंग करते रहिए। थैंक यू।